झटपट झटपट संगीता किचन में संगीता चुनाव आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आपने चॉकलेट केक तो ट्राई किया होगा, और अगर नहीं बनाया है और आपको बेसिक रेसिपी चाहिए तो इस आइकॉन बटन पे प्रेस कीजिए, आपको मेरी बेसिक रेसिपी मिल जाएगी। और आज मैं बताऊंगी चॉकलेट कनाश बनाना, और चॉकलेट कनाश को किस तरह से केक पे फ्लडिंग करना, और चॉकलेट क्रीम से केक की आइसिंग करना। तो पूरा मिला के हम एक छोटा सा सिंपल सा बर्थडे केक बनाना सीखेंगे। केक की फ्रॉस्टिंग के लिए सबसे पहले मैंने चॉकलेट कनाश तैयार करूंगी, और कनाश के लिए मैंने 250 ग्राम्स डार्क चॉकलेट कंपाउंड स्लैब यूज़ किया है। इक्वल प्रोपोर्शन में मैंने मिल्क 250 मिलीलीटर गर्म करने रखा है। कनाश दो प्रकार के बनाते हैं, एक तो पोरिंग कनाश जो कि केक के ऊपर पोर करने के लिए बनाए जाते हैं, केक को डिप करने के लिए बनाए जाते हैं, उसकी डिपिंग डिज़ाइन करते हैं उसके लिए बनाए जाते हैं। और सेकंड होते हैं पाइपिंग कनाश, जो कि केक की पाइपिंग बैग में रखकर केक के डेकोरेशन या फ्रोस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपको कनाश पाइपिंग के लिए यूज़ करना है तो आप दूध की जगह आप क्रीम ही यूज़ कीजिए। मुझे चॉकलेट कनाश केक के फ्लडिंग के लिए चाहिए, ना कि पाइपिंग के लिए, इसलिए मैंने मिल्क यूज़ किया है। अब देखिए इसमें बबल्स आने लगे हैं, तो इसमें मैंने जो डार्क चॉकलेट स्लैब कट करके रखी थी 250 ग्राम्स इक्वल प्रोपोर्शन में, उसे मिला दूंगी। कनाश हम कोई से भी चॉकलेट से बना सकते हैं, स्वीट चॉकलेट्स, बिटर चॉकलेट्स, या सिली चॉकलेट, या मिल्क कंपाउंड और डार्क कंपाउंड को मिलाकर किसी भी तरह से बना सकते हैं। और जब हम कनाश बनाने के लिए जो चॉकलेट की कटिंग करते हैं, तो इस बात का ध्यान है कि हमारी नाइफ और कटिंग बोर्ड बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। अब मैं इसे लगातार चलाती रहूंगी जब तक ये पूरी तरह से मेल्ट ना हो जाए। देखिए चॉकलेट पूरी मिल्क में मेल्ट हो चुकी है। इसे थोड़ा थिक करने के लिए और गर्म करना पड़ेगा। अभी धीरे धीरे थिक होना शुरू हो रही है। अब इस कनाश में थोड़ी शाइन आए इसके लिए मैं 2 क्यूब्स में बटर की डाल रही हूँ। बटर भी अच्छी तरह से गर्म होके इसमें पूरी तरह से मिल जाएगा। अब बटर भी पूरी तरीके से मेल्ट हो गया है। अब हम स्टोव ऑफ करके रख देंगे, इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। जब 10-15 मिनट बाद ये ठंडा हो जाएगा तो इसकी थिकनेस और शाइननेस और दोनों बढ़ जाएगी। चलिए 10-15 मिनट बाद ये ठंडा होकर देखिए इसकी थिकनेस कैसी हो गई है। तो ये हमारा चॉकलेट गनाश केक की फ्रोस्टिंग के लिए तैयार है, जिसे हमने बहुत जल्दी ही बहुत इजी वे में तैयार कर लिया है विदाउट क्रीम। देखिए कि कितना थिक हो चुका है और कितना शाइन कर रहा है। केक की फ्रोस्टिंग के लिए दूसरी है चॉकलेट क्रीम, जो कि हम व्हिपिंग क्रीम को बीट करके तैयार करेंगे। व्हिपिंग क्रीम को हमेशा फ्रीजर में कंज्यूम करके रखते हैं। इसके लिए मैंने 250 ग्राम्स व्हिपिंग क्रीम लिया है। इसे बाउल को भी मैंने 2 आवर्स तक मैंने फ्रीज़र में रखा था ताकि पूरा चिल्ड हो जाए। अब मैं इलेक्ट्रिक बीटर से ये व्हिपिंग क्रीम को बीट कर रही हूँ। सबसे पहले तो ये बहुत पतली हो जाएगी, बिल्कुल मिल्क की तरह हो जाएगी, क्योंकि फ्रीज़र से निकाला है क्रीम को हमने। 5 मिनट तक बीट करने के बाद मैं इसे फिर से फ्रीज़र में 10 मिनट तक रखूँगी ताकि और चिल्ड हो जाए और आसानी से लाइट क्रीम बन जाए। देखिए 10 मिनट के बाद मैंने इसे फ्रीज़र से निकाल कर थोड़ा सा चॉकलेट कनाश डाला इसमें, क्योंकि हम चॉकलेट क्रीम तैयार कर रहे हैं, और फिर से इसे बीट करूंगी।
व्हिपिंग क्रीम में शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले से ही मीठी होती है। इसे फिर से मैं 10 मिनट तक बीट कर रही हूँ ताकि बिल्कुल लाइट हो जाए। इसे मैंने स्टार्टिंग में 2 की स्पीड पे चलाया है। जब ये पूरी तरीके से इस तरह इस लिक्विड फॉर्म में हो जाए इसकी थिकनेस, इसमें मैं थोड़े से और चॉकलेट ऐड करके अब इसकी स्पीड थोड़ी मैंने बढ़ा दी है। देखिए अब ये थोड़ी थिक होना शुरू हो गई है और क्रीम फॉर्म में आना शुरू हो गई है। देखिए कितनी लाइट हो गई है ये। थोड़ा और चॉकलेट कनाश डाल के मैंने इसे बीट करना शुरू कर दिया है 2 मिनट तक और इसे बीट करूँगी, फिर हमारी ये व्हिपिंग क्रीम, चॉकलेट व्हिपिंग क्रीम केक की फ्रॉस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगी। देखिए ये परफेक्ट हो चुकी है हमारी फ्रॉस्टिंग के लिए। चलिए केक की फ्रॉस्टिंग के लिए हमारी चॉकलेट कनाश और ये क्रीम तैयार हो चुकी है और ये केक भी हमारा तैयार हो चुका है। चॉकलेट केक की रेसिपी मैंने पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आप ये आइकॉन बटन पे क्लिक कीजिए तो आपको मेरी ये चॉकलेट केक की रेसिपी मिल जाएगी।
तो दोस्तों ये थी मेरी चॉकलेट कनाश बना के, चॉकलेट क्रीम बना के, इजी वे में चॉकलेट केक को किस तरह से फ्रॉस्टिंग करा और किस तरह से उसकी आइसिंग करें उसकी विधि। आशा करती हूँ ये आपको पसंद आई है। अगर आपको ये पसंद आई तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।